इस साधना काल में कभी कभी साधना करते करते एकदम से पीतामृत का दर्शन हो जाते हैं। अब पीतामृत का दर्शन का मतलब है कि अत्यंत सौम्य सरल मूर्ति चित्र जगदम्बा देवी सौम्य सहज। मैं बंगला के प्रयोग के बारे में कह रहा था, ये अपने आप में सात्विक है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये तांत्रिक तो नहीं है, तुम तंत्र से घबरा, तंत्र का मतलब है कोई मीट खाने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला। मैं तो शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हूँ और शुद्ध सात्विक दीक्षा देता हूँ, शुद्ध सात्विक प्रयोग करवाता हूँ पूर्ण शुद्धता के साथ, दूसरों के लिए कल्याणकारी हो और हम आपकी रक्षा भी कर सकें। क्योंकि पक्ष पर हमें तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, कठिनाइयां हैं, भय है। उन भय से मुक्ति के लिए इससे बड़ी कोई साधना नहीं है और मैं प्रथम स्तर की साधना आपको दे रहा हूँ, प्रयोग दे रहा हूँ। ये अपना हम तेजस खोलेंगे, बहुत तेजस्वी है, जो मैंने कल प्रश्न में कहा उतना ही ताकतवान क्षमतावान। कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर, कोई व्यक्ति उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता, उसकी आंखें दबेगी, आपकी आंखें नहीं दबेगी, आपकी बात को ताला नहीं जा सकता, आपको जीवन भय नहीं आ सकता, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु आपको जबरदस्त छीन के नहीं ले जा सकती। इतनी इस मंत्र में, इस शक्ति में आपके शरीर में ताकत क्षमता है। इस प्रयोग के द्वारा, प्रयोग कराने से पहले मैं समझा देता हूँ कि ये क्या करना चाहिए, इसको समझा देता हूँ, फिर प्रयोग करवा दूंगा। ये यंत्र है आपके सामने, रुमाला है, मैं मंत्र दूंगा, इसमें आप मंत्र जाप करें तो इसको पीताम्बरी साधना भी कहा गया है। और पीताम्बरी साधना का मतलब है कि इसमें केवल पीली चीजों का प्रयोग ही होता है, पीले वस्त्रों में धोती हो पीली हो, ऊपर ओढ़ने का हो पीला हो, रुई का दीपक लगाना हो तो रुई को पहले पीले रंग से रंग करके सुखा दीजिए, फिर उसकी बत्ती बनाइए, घी हो तो उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और पीले रंग का बना, घी को पीले रंग का बना दीजिए। पुष्प हो तो पीले रंग के जो भी पुष्प गेंदे के, जिसके पीले रंग के पुष्प वो उसमें चढ़ते हैं, दूसरे गुलाब के दूसरे पुष्प इस देवी को नहीं चढ़ सकते। ये को भी दान करें उसमें तो पीले रंग रंग करके दान करें, यानी प्रत्येक वस्तु पीले रंग की ही होती है। और साधना करने के लिए जो जो साधना करें, मैं तो तुम्हें रोज प्रयोग दूंगा, एक माला जपना है, दो चार माला जपना है, ऐसा करूंगा मैं। अनुष्ठान जो करते हैं कि मुझे किस दिन में इसको सिद्ध करना है, तो फिर वो उस स्थान उस कमरे को पीले रंग से रंग देते हैं, रंग देना चाहिए, फर्श पर पीला रंग का कपड़ा बिछा देना चाहिए और उसके बाद ही छत पर भी पीला रंग हो जाता है। चाहे नारी पुरुष पत्नी स्त्री हो तो वो पीली साड़ी पहने, पुरुष हो तो पीले वस्त्र धारण करें, और जो भी पुष्प हो पानी भी हो तो आप उसमें केसर घोल करके उसको पीला सा बना करके फिर उसको स्नान करवाइए। यानी प्रत्येक वस्तु या तो हल्दी में या केसर में पीलापन होता है, उसको मिला करके ऐसा किया जा सकता है, चाहे कोई भी चीज हो, इसलिए इसको पीतांबरा कहा गया है। और पीत वस्त्र अपने आप में इस शक्ति के लिए अपने आप में श्रेष्ठतम क्रिया है। क्या प्रयोग है, क्या प्रभाव है, ये मैं बाद में समझाऊंगा, मगर कैसे करना है। और मंत्र जब आप करें तो पीले वस्त्र जरूर धारण, आसन आपका पीला होना चाहिए, पीले वस्त्र धारण, धोती को रंग दे और वह धोती रंग समय करते वो पहन, पीला दुपट्टा ही आपका पीला दुपट्टा पहन लें और फिर आप मंत्र जाप करें। इसके अलावा पूर्ण उस देवी का यदि आप यंत्र है कोई साथ पुष्प समर्पित करना हो तो पीले पुष्प समर्पित करें, पीले अक्षत समर्पित करें, पीले रंग जल से उसको स्नान कराएं, पीला कुमकुम नहीं लगा सकते उसमें, फिर उसमें केसर लगाएं या हल्दी को घोल करके और हल्दी कपूर और विरोचन मिला करके, उन तीनों को मिला करके जो त्रिगंध होता है उससे पूजन करें। यह तो इसका विधान आज तो मैं आपको समझा रहा हूं। और उसके बाद इस अनुष्ठान को, अनुष्ठान का मतलब है कि 21 दिन में 1,25,000 मनुष्य जाप करके सिद्ध करूंगा, उसको अनुष्ठान कहते हैं। मैं आपको अनुष्ठान नहीं करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं रोज मंत्र जाप करें, उसके लिए फिर ये समस्या आपको नहीं रहेगी। अनुष्ठान करने फिर ऐसा करना पड़ेगा। ओम हरि बगलामुखी हरि फट, ओम हरि बगलामुखी हरि फट, ओम हरि बगलामुखी हरि। इस साधना काल में कभी कभी साधना करते करते एकदम से पीतामृत का दर्शन हो जाते हैं। अब पीतामृत का दर्शन का मतलब है कि अत्यंत सौम्य सरल मूर्ति चित्र जगदम्बा देवी सौम्य, यदि ऐसा दर्शन दिखाई दे भी जाए तभी आप माला तो पूरी करेंगे। अगर पांच माला करते हैं पांच माला पूरी करें, बीच में रुके नहीं। कई बार साधकों को जो अच्छी दीक्षा दे चुके होते हैं, बगलामुखी की पहली दीक्षा, दूसरी तीसरी दीक्षा, जिनके बाद में प्रयोग करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे पीता मेरा पास में बैठी है, बगलामुखी पास में बैठी है, घुटने से घुटना सट रहा है, लग रहा है,
एहसास हो रहा है, अभी तकरार रहा है और उसकी एग्जॉस्ट गर्मी जो निकल रही है उससे हम संबंधित हो रहे हैं, ऐसा सब कुछ हो रहा है। उस समय भी आप विचलित नहीं है, जितना मंत्र जहाँ से उतना तो आपको करना ही है, तो पास में बैठे हैं तो बैठे।